रक्षाबंधन, जिसे राखी के नाम से भी जाना जाता है, भाई और बहन के पवित्र प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन लेता है, जबकि बहन उसकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करती है। राखी के इस महत्वपूर्ण पर्व पर कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जिसमें शुभ मुहूर्त और भद्रा काल का विशेष महत्व है। इस साल रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए कौन सा समय शुभ है और भद्रा काल कब रहेगा, इस बारे में जानकारी देना जरूरी है। कब है रक्षाबंधन? रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में सावन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त सोमवार को है। यह तिथि प्रातः 3:04 बजे शुरू होगी और रात 11:55 बजे समाप्त होगी। इस दौरान राखी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। क्या है शुभ मुहूर्त? इस साल रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए सुबह का समय शुभ नहीं है। शुभ मुहूर्त दोपहर 2:07 से रात 8:20 बजे तक रहेगा। अगर आप शाम को राखी बांधना चाहते हैं, तो प्रदोष काल में शाम 6:57 से रात 9:10 बजे तक का समय बहुत शुभ माना गया है। इस बार भद्रा काल की वजह से सुबह राखी बांधना उचित नहीं होगा। रक्षाबंधन पर कब है भद्रा? भद्रा काल इस साल सुबह 5:53 बजे से दोपहर 1:32 बजे तक रहेगा। राखी बांधने से पहले भद्रा काल का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण की बहन ने उसे भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिसके बाद रावण का वध हुआ। इसीलिए भद्रा काल में राखी बांधने से बचना चाहिए। रक्षाबंधन के दिन पंचक भी। इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन शाम 7 से पंचक भी शुरू होगा, जो अगले दिन सुबह 5:53 बजे तक रहेगा। यह समय राज पंचक का होगा, जिसे अशुभ नहीं माना जाता, इसलिए इस अवधि में भी राखी बांधी जा सकती है। 3 शुभ योग में रक्षाबंधन। इस साल रक्षाबंधन पर 3 शुभ योग बन रहे हैं। शोभन योग पूरे दिन रहेगा, जबकि सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग सुबह 5:53 बजे से 8:10 बजे तक रहेगा। इन शुभ योगों में राखी बांधने का महत्व और भी बढ़ जाता है। रक्षा सूत्र का क्या है महत्व? रक्षा बंधन भाई और बहन के अनमोल रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सुरक्षा की कामना करती हैं। भाई इस रक्षा सूत्र को स्वीकार कर जीवन भर बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। रक्षाबंधन 2024 महत्व और रीति रिवाज। रक्षाबंधन का त्योहार न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह परिवार के साथ बिताने वाला एक खुशियों भरा अवसर भी है। रीति रिवाजों और पारंपरिक अनुष्ठानों से परे यह पर्व परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सम्मान और एकजुटता को मजबूत करता है। छोले भटूरे, पाव भाजी जैसे पारंपरिक व्यंजन और मिठाइयाँ इस पर्व की खुशियों को और भी बढ़ा देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हमें अपने परिवार के साथ समय बिताने और आपसी प्रेम को व्यक्त करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।